हेलो गाइस, आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में स्वागत है। और अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी लोकेशन से पता चल गया होगा कहाँ है बाबा के बथान में। और बाबा तैयार हो रहा है क्योंकि अभी हम लोग जाने वाले हैं दर्शनसराय मार्केट, क्योंकि कुछ काम है वहाँ पे। बैंक के ही काम से जाएंगे अपना, तो वहाँ पे चलते हैं। और दर्शनसराय मार्केट वैसे हम लोग का जाना उना होता नहीं है, आप लोग को पता ही है, कभी कभार जाते हैं। अगर वैसा ही कुछ काम हो तो कभी कभी कभार का मतलब आज तक अपने लाइफ में मुश्किल से बहुत 10-12 बार गए होंगे दर्शनसराय मार्केट, क्योंकि हम लोग के घर से थोड़ा सा दूर है और रूट पे भी नहीं है। तो हम लोग या तो अपने मार्केट पटोरी या समस्तीपुर ही जाते हैं। तो अभी दर्शनसराय निकलते हैं और मेरे वीडियो में फर्स्ट वीडियो होगा दर्शनसराय का, तो उधर का आप लोग को दिखाया नहीं, तो वीडियो में आपको वहाँ की झलकियाँ भी दिखाएंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया आप लोगों ने तो इंस्टा का ये रहा आईडी, और इंस्टा आईडी ये रहा, तो इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पे भी आपको नए नए रील और अपडेट मिलते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आप लोग को दर्शनसराय मार्केट घुमाते हैं और बाबा भी तैयार हो गए। ठीक है, वीडियो मार्केट में है और यही ऊपर में काम था, तीनों का देख रहे हैं हम, यहीं पे काम था। और अभी यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट का झलक दिखाते हैं आप लोग। ये देखिए दर्शनसराय का अंदर का मार्केट है, मतलब अंदर का रोड है, ये बाजार हुआ, ये हरी मार्केट। और आपको चलते चलते ही दिखाते हैं, ये पुल है, यहाँ पे अक्सर जाम रहता है, लेकिन आज जाम नहीं है। कोई छोटी मोटी नदी है, पता नहीं कौन सी नदी है। दर्शनसराय मार्केट है, क्यों बहुत बड़ा मार्केट है ये, हम लोग का पटोरी मार्केट जो है ना उससे काफ़ी बड़ा मार्केट है। और यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, मतलब अच्छे क्वालिटी में। और आप लोग, हम लोग होटल आ गए हैं यहाँ पे दर्शनसराय का। कोजी होटल बहुत पुराना है, तो यहाँ का चाट फेमस होता है और कभी कभी आने का मौका मिलता है, तो थोड़ा खा लेते हैं। आ गया है, थोड़ा रसमलाई भी मंगवा रहे हैं, तो हम भी खा लेते हैं, बाबा को भी खिला देते हैं। उसके बाद जो है निकलेंगे, रसमलाई भी आ गया है और बाबा बड़े ही मज़े से खा रहे हैं, देख रहे हैं। तो हम लोग घर चल दिए हैं, थोड़ा सा जो है सो पेट्रोल ले लेते हैं गाड़ी। और ये रहा NH 128। देखिए दर्शनसराय का यहाँ पे जो है बस स्टैंड है, हर जगह की गाड़ी मिल जाती है यहाँ से। और ये फिर रहा पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल थोड़ा ले लेते हैं पहले। देखिए बाबा टॉफी के लिए रुका है, ले लेते हैं। एक बच्चा देखिए दुकान चला रहा है, कैसे छोटा सा बच्चा जल्दी है। और इतनी छोटी बच्ची थी वहाँ पर और वो दुकान पे रहती है, तो मैं उससे पूछा भी, कुछ कुछ बातें ऐसी होती है जो ऑन कैमरा भी बात नहीं किया जा सकता है, और बहुतों को अच्छा लगता भी नहीं है। तो मैं उस बच्चा से पूछा, जो आप पढ़ते नहीं हो, तो बोली नहीं पढ़ते हैं अंकल जी, लेकिन आज जो है सो छुट्टी अभी चल रहा है कोरोना के कारण, आप लोग को पता ही होगा, तो इसलिए वो दुकान संभाल रही थी, उसके पापा खाना खाने के लिए गए थे। कभी कभी देखिए कितनी छोटी सी बच्ची थी और कितना चंचल भावना था उसके अंदर, और वो अपना दुकान संभाल रही थी। देख के कभी कभी इमोशन हो जाता है, आदमी इमोशनल हो जाता है। तो मैं पूछा, जो पढ़ती हो? तो हाँ, जो पढ़ते हैं। नहीं नहीं बच्ची, हाँ लड़की थी, पालन भी बहुत अच्छा लगा। हाँ हाँ, तो हम लोग टॉफी लिए और वहाँ से निकल लिए, और उतना ही देर में देखे जो कितना ग्राहक को हैंडल कर। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे ही लाइफ में होता रहता है।
अभी तो चल दिया हम लोग घर, और रास्ते में एक और अच्छी चीज है जो आपको अच्छा दृश्य है, अच्छी जगह है। ये देखिए हम लोग आ गए हैं घर से, मतलब वहाँ से वापसी आ रहे हैं, घर जा रहे थे तब यहाँ पे रुके हैं। और यहाँ का दृश्य देखिए, ये जो है इस जगह को बोलते हैं बाबा केवल स्थान। और बाबा केवल स्थान जाने के लिए हम वीडियो में बता नहीं सकते हैं और आप बिलीव नहीं कर सकते हैं वीडियो के माध्यम से, आप लोग सोच रहे होंगे, लेकिन इतना खूबसूरत जगह है ना और इतना प्यारा दिख रहा है। यही सब देखने के लिए और ऐसे ऐसे जगह के लिए लोग कहाँ कहाँ जाते हैं जो यहाँ पे घूमने के लिए, लेकिन इतना प्यारा लग रहा है और इतना मस्त लग रहा है। और वैसे भी ये जगह जो है ना फेमस जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ, शायद यहाँ से तो नहीं दिखेगा क्योंकि कुछ कुछ धुंध कोहरा अभी से ही जम गया, फॉग जो कहते हैं, दिखाते हैं। देखिए उधर भी रोड है, देखिए इधर भी रोड है और इधर भी रोड है, और ये बीच में नहर है, और इधर भी रोड है देखिए। और वहाँ जो है ना बाबा केवल स्थान करके एक मंदिर है जो कि बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, उसके बारे में ना एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उसका एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा, उसकी कहानी बताएंगे। पहले खुद जान ले कहानी, वैसे जानते हैं बाबा केवल स्थान है, लेकिन उसको पूरा विस्तार से पता हो जाए पहले, उसके बाद आप लोग को दिखाएंगे और फिर बताएंगे। यहाँ पे नीतीश कुमार जी आते थे पहले उद्घाटन के लिए, आए हुए हैं मेला में, और उद्घाटन क्या होता तो बहुत दिनों से है, लेकिन बीच में आए थे और हर साल लगभग आते थे उद्घाटन के लिए, जिस दिन फर्स्ट दिन रहता था मेला का, तो यहाँ पे आते थे नीतीश कुमार जी हर साल। और ये हम लोग के लिए शॉर्टकट रोड भी पड़ता है, तो यहाँ पे कब होता है ना मेला, मैं आपको बता, अप्रैल फर्स्ट में होता है, फर्स्ट वीक में ही अप्रैल में, और रामनवमी का दिन होता है, रामनवमी राम भगवान का पूजा जो होता है उसमें, और जो है सो हिंदी के हिसाब से चैत महीना बोलते हैं उसे, चैत महीना, तो यहाँ पे होता है। इसके बारे में आपको हम बताएंगे, छोटा सा ही मंदिर है लेकिन यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, सिर्फ बिहार के ही लोग नहीं आते हैं, देश भर के विभिन्न जगहों से, विभिन्न राज्यों से लोग आते हैं, और बगल के नेपाल जो है देश, छोटा सा देश, वहाँ से भी लोग आते हैं। तो उसके बारे में मैं डिटेल्स बताऊँगा और वहाँ पर जाके आप लोग को दिखाऊँगा भी। यहाँ तो फिलहाल देखते हैं पूरा, ये तो नहर ही है लेकिन उसके बाद आजू बाजू में है पानी, देखते हैं, लंबा टाइम लग गया फोटो ही खींचने में, पूरा कपड़ा उपड़ा खोल खोल के फोटो खींचाना है यहाँ पे, पूरा जैकेट उतार के, फोटो सेक्शन हो गया है, फोटो खिंचवा लिए हैं, अब निकलेंगे यहाँ से, खींच दिए थे, अब इसका अपना धर्म जाने जो कैसा खींचा है। हम तो भाई अपना भर 110% दिए हैं फोटो खींचने में, हम भी खींच दिए हैं, अच्छा सा देख लीजिएगा, फोटो इसमें दिख जाएगा आप लोग।